बहुत सारे युवा एक ब्राह्मण चाह ले तो 10 युवा को जगा सकता है। वो सत्ता में आए हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए कि हमारी 7 पीढ़ियां राजा हो जाए। जो प्रकृति ने हमको अधिकार दे के भेजा है वो कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ब्राह्मण सिर्फ एक जाति नहीं है, ब्राह्मण एक सोच है। रुआ देख रहा बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। आज फिर एक युवा हमारे बगल में बैठे हैं, मजबूरी इनकी कुछ भी नहीं है, न ये राजनीतिक बात करने आए हैं और न ही ये यहाँ कोई मंत्र पढ़ने आए हैं, पर इतना जरूर है कि आज जो कुछ भी कहने आए हैं वो लगातार आप या तो अलग अलग माध्यम से सुन रहे होंगे, लोगों के मुंह से सुन रहे होंगे, या फिर कोई ब्राह्मण इतना ज़्यादा जोर से गरज रहा होगा कि आपके कान तक आवाज़ जरूर गई होगी। उसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं ज्योति पांडे जी। हालांकि ज्योति पांडे जी का अपना एक राजनीतिक वजूद है, जदयू से जुड़े हुए हैं, और इससे पहले आपको बता दें कि ये पहले ब्राह्मण हैं जो 12 अप्रैल 2020 को गांधी मैदान में, जो ब्राह्मण महाकुंभ हो रहा है, अपनी पार्टी से बाहर निकल करके और अपनी आइडेंटिटी के साथ भारत लाइव में आए हैं। आपको याद होगा जब मैंने ब्रजेश मिश्रा से पूछा था कि आप हम लोगों को गाली क्यों सुनवा रहे हैं, आप आते हैं हमारे चैनल पर बहुत सारी बातें कह के जाते हैं और लोग हमारे चैनल पर गालियां देना शुरू कर देते हैं, जातिवाद फैला रहे हैं वगैरह वगैरह। हर जातियों की अपनी अपनी समझ है, अपना अपना जनाधार है और अपने अपने लोगों को जुटाने के लिए अलग अलग सेमिनार, सभा, कुंभ, महाकुंभ सब होता है। पहली बार ब्राह्मण महाकुंभ होने जा रहा है गांधी मैदान में अपनी अस्मिता, सम्मान और अधिकार के लिए। आप जानते ही हैं कि ब्राह्मण खुद अपने लिए कोई पदवी नहीं, पद नहीं खोजता है, सिर्फ सम्मान का भूखा होता है। चाणक्य याद होंगे आपको, वो अपने राजा बनना नहीं चाहते थे। ब्रजेश मिश्रा ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपने देखा भी होगा शपथ पत्र, अगर नहीं देखा है तो शपथ पत्र आप देख लीजिए, वो चल रहा है उसकी स्क्रीन में। अब जब उन्होंने घोषणा कर दिया तो फिर कैसे अपनी अस्मिता को बचाएंगे? तो ऐसे लोग हैं जो चल करके आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम बचाएंगे ब्रजेश मिश्रा के शपथ को, हम पूरा करेंगे और हम ब्राह्मणों की अस्मिता को बचाएंगे और अगर किसी दल में भी हैं तो हमारी पहचान हमारे टीका से है, टीक से है और संस्कार से है। हम इनका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में जी। प्रणाम। अब चल करके आए हैं 12 अप्रैल को, क्या कुछ होगा, क्या कीजिएगा 12 अप्रैल को? 12 अप्रैल को हम लोग ये एक मैसेज देंगे जो ब्राह्मणों के प्रति लोगों को मन में गलत विचार बैठा हुआ है या जिनकी सोच गलत हो गई है जी, वो सोच को हम बदल देंगे जी। क्योंकि ब्राह्मण सिर्फ एक जाति नहीं है जी, ब्राह्मण एक सोच है। प्रकृति की जब ब्रह्मा जी रचना किए थे, सृष्टि जब बना रहे थे, तो पृथ्वी लोक की जिम्मेवारी ब्राह्मणों को ही सौंपे थे देख रेख करने के लिए। ब्राह्मण कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं किया है जिससे समाज में बंटवारा हो। ब्राह्मणों ने हर समाज को साथ लेके चला है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि जब ब्राह्मणों को परेशान करते हैं तो हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। वैसे लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आ जाओ गांधी मैदान 12 अप्रैल को और हम आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति बस एक छोटा सा पिंड देके कर देंगे। 12 अप्रैल को बहुत सारे कार्यक्रम, उससे पहले भी आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ये मन में बैठा हुआ डर है या फिर एक तैयारी है अपने अधिकार को हासिल करने का? नहीं नहीं, हम अधिकार के, हमारा अधिकार क्या सोच लेगा, हम लोग तो जन्म से अधिकार लेके जन्मते हैं और जाते भी हैं तो दूसरे पीढ़ी को दे के जाते हैं, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। जो प्रकृति ने हमको अधिकार दे के भेजा है वो कोई नहीं छीन सकता, वो हमारी सोच है। ज्योति जी, आप अपनी पार्टी में हैं और जो सत्ता में है उस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, आपको डर नहीं लगा ब्राह्मण के नाम पर, जबकि आपकी पार्टी ये बात कहने में डरती है कि ब्राह्मण का नाम नहीं लेंगे, आरक्षण के नाम पर बोरिया बिस्तर समेटने लगती है?
क्योंकि वो लोग जो ये सोचते हैं या जो बोलते हैं वो लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, प्रकृति का दोहन किया है। इतिहास उठा के देख लीजिए, वो सत्ता में आए हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए कि हमारी सात पीढ़ियां राजा हो जाए जी। उन्हें डर है, जो प्रकृति को लेकर चल रहे हैं उनको क्यों डर रहेगा। तो ब्राह्मण समाज पूरी तरह से ब्रजेश मिश्रा जी के साथ खड़ा है, एकदम खड़ा रहेगा ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज के साथ जो समाज है जी, है ना, वो सब खड़ा रहेंगे। आप लोग लगातार बिहार सहित देश के अलग अलग हिस्सों में घूम घूम करके और लोगों को जगा रहे हैं, ब्राह्मणों को जगा रहे हैं। जैसा कि मेरी जानकारी है कि अब तक आप लोग 1000 से ज्यादा बैठके और मीटिंग कर चुके हैं, उसका फीडबैक कैसा आ रहा है? फीडबैक देखिए, हर ब्राह्मण के अंदर एक चाणक्य छुपा है जी, वो निखारने की जरूरत है। चाणक्य तो कहते हैं कि प्रशांत किशोर चाणक्य तो हैं, ब्राह्मण है, चाणक्य है मान लिया हम, लेकिन अमित शाह कहते हैं हम चाणक्य हैं, नीतीश कुमार कहते हैं हम चाणक्य हैं, लालू प्रसाद कहते हैं कि हम चाणक्य हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को चाणक्य कहते हैं। असल चाणक्य है कौन? असल चाणक्य जिसके अगल बगल ब्राह्मण खड़ा है वो चाणक्य है, वही राजा है। अभी आपने कहा कि जो भी ब्राह्मण है वो सारे लोग चाणक्य हैं। हाँ, तो हर ब्राह्मण के अंदर चाणक्य। तो क्या 12 अप्रैल को जितने भी चाणक्य जुटेंगे, हाँ, या मान लेते हैं 1000 जुटे, 10000 जुटे, 1,00,000 जुटे, जितना भी जुटे, चूंकि संख्या बोलते आप लोग बताते नहीं है, कारण कि ब्रजेश मिश्रा जी से भी जब हमने बात किया था तो उन्होंने कहा था कि हम संख्या बल नहीं बताएंगे, जो ब्राह्मण होंगे वो स्वतः चल करके आएंगे, हम किसी को गाड़ी भेज करके बुलाने वालों में से नहीं, चूंकि मेरा राजनीतिक मकसद नहीं है। नहीं, तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि चूंकि आप भी बहुत सारे बैठकों में जा रहे हैं, वहां हम देखना जानना चाहते हैं, हालांकि जनता भी जानना चाहती है और ब्राह्मण लोग भी जानना चाहते हैं कि आप जो ये बैठकें कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं अलग अलग गांव में जाकर के, अलग अलग जिला में जाकर, अलग अलग प्रखंड में जाकर के, और मैसेज के द्वारा भी आप लोग कर रहे हैं, इसका इंपैक्ट कितना हो रहा है, कितने लोगों तक आप अपने व्यक्तिगत रूप से युवाओं को आप जगा पाए? देखिए, बहुत सारे युवा एक ब्राह्मण चाह ले तो 10 युवा को जगा सकता है जी, ये कुदरत में शक्ति देके भेजा है जी, है ना। और ब्राह्मण जाग भी रहे हैं, वो इसलिए नहीं जाग रहे हैं कि हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए जी, इसके लिए नहीं जाग रहे हैं, प्रकृति के साथ जो दोहन हो रहा है, प्रकृति को जो दोहन कर रहे हैं, जीवन को जो जीवन जिंदगी के साथ, लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन धन कुबेरों को डर लगता है जी। तो युवा को हम लोग जगाएंगे और भारत को विश्व शक्ति बनाएंगे, इस क्षेत्र में काम करने के लिए हम लोग एक्टिव कर रहे हैं, सारे लोगों को जागृत कर रहे हैं। पहले ब्राह्मण को जगाएंगे, फिर हम दूसरे जात के भी युवाओं को ये तैयार करेंगे आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप इतिहास उलट के देख लीजिए, जिस देश की आबादी, युवा की आबादी 60% से ज्यादा हुई है जी, वो पूरे विश्व पे राज किया है। भारत की आबादी, जैसा कि आपने बताया कि युवाओं का देश है, युवा देश है, युवाओं की आबादी लगभग आप जितना बता रहे हैं उस परसेंटेज तक हम लोग पहुंच गए हैं, फिर भी हमारे देश में आर्थिक अवनति हो रही है, लगातार युवा बेचैन हैं कि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के समाज में डर व्याप्त है, भय का वातावरण है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। सरकार का तो दावा है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बिहार में भी आप देखे होंगे दावा हो रहा है, केंद्र की सरकार भी दावा कर रही है, लेकिन फिर भी लोगों में बेचैनी है। इस बेचैनी को दूर करने के लिए और शांत करने के लिए आपका ब्राह्मण समाज क्या करेगा? वो हमारी बातों को सिर्फ मान जाए तो बिहार से बेरोजगारी की समस्या भी खत्म हो जाएगी और देश से बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी, हम लोग एक विश्व शक्ति बन के उभरेंगे। आज भले चाइना अमेरिका जो रिसर्च कर रहा, हमारे ऋषि मुनि कब के करके चले गए। ज्योति जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप युवा हैं, ब्रजेश मिश्रा जी भी लगभग युवा हैं और उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र से अपने आप को, अपने समाज को जगाने और समाज को एकजुट करने का एक प्रयास शुरू किया है, ये आपको कब लगा कि ब्रजेश मिश्रा जी के साथ जाना चाहिए? और अगर संदेश कुछ देना हो युवाओं को जो इधर उधर भटक रहे हैं, जिनके मन में बहुत सारी बातें हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे कि जो रास्ता आप लोगों ने अपनाया है वो रास्ता कितना सही है और कितना भरोसा आप जमाएंगे लोगों पर? देखिए, ब्रजेश मिश्रा जी समाज के या देश के परिस्थिति को देख के उनको लगा कि जो ब्राह्मणों के अंदर शक्ति है, जब भी देश के साथ, राष्ट्र के साथ या प्रकृति के साथ खिलवाड़ होता है तो
तो ब्राह्मण आगे आया है। महादेव सोमनाथ मंदिर पे जब अटैक हुआ था तो ब्राह्मणों ने अपना जनेऊ खोल के महादेव को छुपाया था, कुर्बानियां दिया था, हजारों ब्राह्मण कटे थे वहां पे, दूसरे जाति के लोग नहीं कटे थे जी। और वो वहां के दलितों को बचाने के लिए ब्राह्मणों ने अपनी कुर्बानियां दिया था जी। ये इतिहास की बात है, देखने की है, समझने की है। तो जब देश में ऐसी परिस्थिति जब जब बनेगी, ब्राह्मण को खुल के आना पड़ेगा। मैं ब्रजेश मिश्रा जी को मन से आभार करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा पहल किया, लोगों से बात किया। और वो उनका कोई ये मकसद नहीं है कि हमें किसी राजनीतिक पार्टी को मजबूत करना है, किसी को नुकसान करना है, है ना। वो फैसला लेने का अधिकार यहाँ के जो भी है रहने वाले लोग, यहाँ के जनता जनार्दन को लेना है। हमें तो उनको बीच में जाके उनको जगा देना। ज्योति जी, ब्रजेश मिश्रा जी हमारे बीच में अभी नहीं है, इसलिए हम एक व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। कितना संतुष्ट हैं ब्रजेश मिश्रा जी के कामकाज से, और कैसे युवाओं तक ये संदेश पहुंचेगा कि वास्तव में बहुत सारे संगठन हैं ब्राह्मणों के, आपने देखा होगा हजारों हजार संगठन हैं, उन संगठन से आपके ब्रजेश मिश्रा जी जो एक पहल कर रहे हैं वो अलग कैसे है, चूंकि आप उनके टीम से जुड़े हुए हैं, आप भी बहुत सारी बैठकें कर रहे हैं, ब्राह्मणों को 12 अप्रैल के लिए बुला रहे हैं, तो क्या अलग कर रहे हैं ब्रजेश मिश्रा कि अन्य संगठनों से अलग है, और युवा अगर चाहे ब्रजेश मिश्रा जी से जुड़ना या आपके संगठन से जुड़ना तो वो कैसे जुड़ सकते हैं, और कितना उनको भरोसा करना चाहिए आप लोगों पर? देखिए, ब्रजेश मिश्रा जी में सिर्फ एक चीज जान जाइए कि कबीरा मांगे सबकी खैर, वो सबकी खैर मांगने के लिए एक बहुत बड़ा ये किए हैं। उनका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन वो विरोध बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है। लोग ये नहीं सिर्फ ब्राह्मण जाति के ही लोग, हमें तो दूसरे जाति के लोग भी फोन करके पूछते हैं कि क्या मैं भी आ सकता हूँ उसमें जी। तो मैंने उन लोगों को बोला है कि अगर ब्राह्मणों की वाणी को आप सुन सकते हैं तो आप आइए, सुनिए और उस पर विचार करके आगे बढ़िए। युवाओं को अगर एक बात कहना हो कि आपके संगठन से जुड़े हैं या 12 अप्रैल को आए और देखें कि क्या हो रहा है, तो आप कैसे भरोसा जताइएगा? देखिए, अगर युवा जुड़ते हैं उनको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगारी से ये पीढ़ी तो लड़ लिया, अगला पीढ़ी न लड़े बेरोजगारी से, इसके लिए हम लोग संगठित हो रहे हैं। और ये अगर संगठित हो गए तो मैं ये गारंटी देता हूं 2025 में भारत विश्व शक्ति रहेगा, हमारा डंका दुनिया के हर कोने में बजेगा। और बहुत बार हमारा पहले भी बज चुका है डंका, हम तो इस छोर से लेकर उस छोर तक धरती के हम लोगों ने डंका बजाया, भारत का डंका बजाया है, फिर बजेगा डंका। ज्योति जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि अगर ब्राह्मणों पर भरोसा किया जाए तो 2025 तक भारत विश्व गुरु बन जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें ज्योति जी ने कही हैं, इन बातों का हम मुआयना तो कर ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं लगातार हम इन बातों को लेकर के, और खास करके 12 अप्रैल में क्या कुछ विशेष होगा उसकी तो हम चीरफाड़ कर ही रहे हैं, 12 अप्रैल को क्या होगा वो तो पता चल ही जाएगा। 12 अप्रैल को एक चीज जान जाइए, जो समाज को खंड खंड करके जी जो भी नेता चले हैं जी, वो समझिए विलुप्त होने के रास्ते पे उनको भेजते हैं। आपकी पार्टी के फोरम में अगर उठाना हो ब्राह्मणों की बात तो आप उठाएंगे? हाँ, उठाएंगे, बहुत बड़ी बात है। और एक बार फिर इन्होंने ये बात कही, बहुत सारी बातें हुई, ब्रजेश मिश्रा जी क्या करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हम आपको सुना ही रहे हैं, बार बार उनकी बातें बता रहे हैं, और भी जगह लोगों से मिल रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है उसकी भी बातें हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो ये है कि कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है तो सिर्फ 12 अप्रैल को आप जगह पर, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ 12 अप्रैल को गांधी मैदान में आ जाइए, आपको स्वतः पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है और क्या बदलेगा। एक बात तो जरूर है कि ब्रजेश मिश्रा जी ने खुद चुनाव नहीं लड़ने का शपथ पत्र दाखिल किया है, ज्योति जी हैं और भी युवा हैं, और एक बात जरूर है कि एक थ्रेट तो जरूर ब्रजेश मिश्रा जी ने दे दिया है कि या तो आप ब्राह्मणों का सम्मान करें वरना आपका विनाश जरूरी है। एक हाथ में अगर उनके वरदान है तो दूसरे हाथ में श्राप है, कई बार ये बातें बोल चुके हैं। और ब्राह्मण के पास अगर अस्त्र शस्त्र कोई है
तो यही है। आप देख ही रहे हैं कि पूरा एक तरह से पूरे ब्राह्मण लिबास में टीका भी है, टीक भी है। और फिर मिलते हैं, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई।